नर्क कहाँ है? अधोलोक में है, बहुत ही गहराई के नीचे। उसकी थोड़ी सी पुकार मैं आपको सुना देता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। क्लूसियो 3:5 में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं ही के कारण अज्ञान न मानने वालों पर पड़ता है। वचन साफ और स्पष्ट रूप से बताता है, मेरे प्रियजनों, व्यभिचार पाप छोड़ दो। जो पाप करते, बुराई करते, व्यभिचार करते इस पृथ्वी पर रहकर अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे तो परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर पड़ेगा। मन फिरा लो, वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और अंत निकट है। अंत का समय चल रहा है, जब आएगा, बाइबल बताते भैया, जब अंत का समय आएगा तब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, परंतु अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और आज वैसा ही हो रहा है। सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है। जब किसी को स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया जाता है तो बोलते हैं, ब्रदर जी मुझे सब मत बताओ, मुझे डर लगता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे नौकरी मिले, चंगाई मिले। सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे। इसलिए वचन साफ बताता है, लोग सत्य से अपने कान फेर लेंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे, खरे वचन नहीं सुनना चाहेंगे। आज वैसा ही हो रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा है, 8:9 है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, वे प्रभु के सामने से उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ, जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं है, उनका क्या हाल होगा? उनकी घंटी बजेगी, उनकी जरूर घंटी बजेगी। और जो जानते फिर भी नहीं मानते हैं, उनका अंत में क्या होगा? अनंत काल का दंड देगा परमेश्वर, अनंत काल का, जो कभी नाश नहीं होता है। इसलिए अभी लोगों से बताया जा रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, मगर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाप, व्यभिचार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसी में लगा हुआ है। अरे समय कम है और दिन बुरे हैं, बचा लो अपने आप को। बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। वह किसी का पक्ष नहीं करेगा परमेश्वर, वो न्याय करके नरक में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। इसलिए सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को, सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को, क्योंकि समय कम है, अंत निकट है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है, अंत के दिनों में लोग दाने दाने को, पानी पानी को तरस जाएंगे। उस समय इतना हाहाकार मचा होगा, सैकड़ों आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार ले लोग नरक में तड़पते होंगे। नरक कहाँ है? अधोलोक में है, बहुत ही गहराई के नीचे। उसकी थोड़ी सी पुकार मैं आपको सुना देता हूँ। इसलिए समय कम है और दिन बुरे हैं, सुधर जाओ मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह आने वाले हैं। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? कब तक एक दूसरे को देखते रहोगे, ताका मुक्की में लगे रहोगे? क्या अंत नहीं? अरे अंत है इन सब पापों का, अंत है इन सब पापों का। समय कम है और दिन बुरे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो समय, जो टाइम परमेश्वर को दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मन फिरा लो वरना महंगा पड़ेगा, मन फिरा लो वरना महंगा पड़ेगा। अभी दारू शराब गुटखा बीड़ी तम्बाकू खाने के लिए तो पड़ गई, तो उसे धीरे धीरे करके अभी छोड़ दो, समय है, अभी छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर माफ कर देगा। छोड़ दो, मार डालो अपने नंगों को, काट के फेंक दो,
काट के फेंक दो। यदि आपको पाप करते हो, बेविचार करते हो तो छोड़ दो और डरो परमेश्वर से, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। मेरे प्रियजनों, आशा करते छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह बंधुओं के पास। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक।